दिन का दूसरा मुकाबला, दिन का दूसरा मुकाबला है वापस वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, जहां पे चेन्नई और कोलकाता का मुकाबला होने वाला है, मैच नंबर 15। वीर भाई कोलकाता की बात, क्योंकि चेन्नई की जब बात कर रहे हैं, चेन्नई तो सेट लग रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्मूला निकाल लिया है कि कैसे यहां पे खेलना है वानखेड़े में। कंडीशंस बेस्ड चेंजेस आपके हिसाब से, क्योंकि लॉकी फर्गसन है वहां पे, सीमिंग कंडीशंस है, सुनील नारायण कह रहे हैं कि ही इज बीन पास्ट फिट, तो वो भी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन है। अब बिल्कुल अगर वो फिट है तो उनको जरूर खेलना चाहिए सुनील नारायण को, क्योंकि मैं तो उनकी बॉलिंग का बड़ा फैन हूँ कि जिसको समझ में नहीं आती ना फिर उसको वो रन बनाने नहीं देते यार, और जो उनकी बल्लेबाजी है वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते डॉट बॉल्स मेरी तरह तो सिंपल है, बॉल आई मारेंगे चौका छक्का या आउट हो गए ड्रेसिंग रूम में, तो टाइम भी नहीं खराब करते, बॉलें भी नहीं खराब करते, और उनके चारों ओवर पक्के हैं, वो कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि MS धोनी ने अभी तक शायद उनके खिलाफ चौका नहीं मारा है। एंड कहीं ना कहीं अजय भाई उनको ओपन कराओगे तो फिर गिल कहां जाएगा, कहीं भी कराओ, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार भी उन्हें ओपनिंग करा के बीच में भी लेके आए थे, नंबर 4-5 पर भी उनको ऊपर भेज देते थे कि जाके मारो, तो वो बिल्कुल सही है वानखेड़े जैसे ग्राउंड में उनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो, कि भाई आप फ्री एंड खेलो आउट तो आउट, जैसे हम लोग बात करते थे 96 में जयसूर्या और कालू वितरण आते थे, 0-2 भी हो जाता था श्रीलंका तब भी 250 तो वो बना ही लेते थे, तो सुनील नारायण के जीरो बनाने से 50 रन बनाने से फायदा होता है, जीरो बनाने से कोई नुकसान नहीं होता उनका, क्योंकि बाकी बैटिंग लाइनअप है वो संभाल लेंगे। तो वीरू भाई मॉर्गन है, दिनेश कार्तिक है, रसल मसल है, मिडिल में इनको कहां जगह मिलेगी, या तो बहुत नीचे आ जाएंगे या तो एकदम अप टॉप। यार पंडित जी ये तेरी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी है, वो देखें उसको, हम तो एडवाइस कर सकते हैं, हम तो अपने एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं यहाँ पर कि भाई उनको कहीं भी खिलाया जा सकता है, अगर मैच जैसे 2 आउट हो गए जल्दी और लग रहा है कि रन रेट तेज करना है तो सुनील नारायण को बोलो जाओ मारो पहली बॉल से, या फिर अब अगर वानखेड़े आ गए तो 4 नंबर पे फिक्स कर दो एंडरसन, जिस भी मैच में चलेंगे आपकी नैया पार है। अजय भाई क्योंकि वहां पे लॉकी भी है, और जब लॉकी फॉर्म में होता है तो तेज गति में टिंडे उड़ाते हैं, जो 3 टिंडे वहां पे सामने होते हैं, इज देयर अ केस फॉर हिम अजय भाई? केस तो पहले मैच से था, क्योंकि पिछले साल से भी नहीं सीखे, जब जब वो खेले है ना उन्होंने कुछ अलग ही करके दिखाया, क्योंकि वो जैसे बल्लेबाज कई होते हैं ना कि अलग दिखते हैं, वो गेंदबाजी में भी उसी तरह के हैं, ये ना एक आउट एंड आउट एक्सप्लोसिव है। प्रॉब्लम ये है कि आप खिलाएंगे ना, क्योंकि कप्तान मॉर्गन है, ठीक है, आप फिर रसल के बिना तो यू नो रसगुल्ले का मतलब रेसिपी शुरू नहीं होती जब क्या लगता होगा, तो आप ये दो के बिना तो हिलते ही नहीं हो, पैट कमिंस को इतने पैसे दे के आपने खिलाया तो उसके बिना भी आप नहीं चल सकते, तो रह कौन गया? चौथा मैं ढूंढ रहा हूँ, पिछली बार तो 3 से शाकिब अल हसन इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, तो वहां पे वो फंसे हुए, तो शाकिब की जगह अगर आपने उनको 7 नंबर पे ही खिलाना है या तो आप 3 पे लेके जाए, मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कलकत्ता की शुरुआत में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम पहले उनसे काम चला ले, हमारे बड़े गन्स को संभाले, सर बड़े गन्स को जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे उसमें भी जंग लग जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हुआ है, तो अगर शाकिब को 7 ही खिलाने वाले हैं फिर आप खिला सकते हैं लॉकी को, क्योंकि यहाँ पे तो तेज गेंदबाजों का बोलबाला भी रहा है कई दिन, यू नो ये भी नहीं पता कैसी विकेट होगी, लेकिन जब तेज गेंदबाजों का बोलबाला है तो लॉकी फर्गसन तो अच्छे अच्छे को दौड़ाएंगे, लेकिन चेन्नई के विरुद्ध ना प्रॉब्लम उल्टी है, नंबर 10 तक बैटिंग है सर, उनके अगेंस्ट बॉलिंग नहीं, उनके अगेंस्ट पहले आपको टॉस जीतना पड़ेगा और पहले उनको बल्लेबाजी करवानी पड़ेगी, तब आपका चांस वैसे ही बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि चेस करते हुए मुझे नहीं लगता कि मुंबई की पिच पे आप इस बैटिंग लाइनअप को किसी भी गेंदबाजी से रोक पाएंगे, क्योंकि इसमें अनुभव भी है, इसमें अटैकिंग प्लेयर्स भी है, इसमें जडेजा भी है सर, और नंबर 6 रविंद्र वो तो है ही है, और साथ में ना धोनी का भी जंग थोड़ा सा निकल गया उस दिन, धीरे धीरे निकल रहा है, तो बैटिंग अगर सेकंड कर रही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको टीम वो बनानी पड़ेगी ये सोच के कि भाई अगर इनके विरुद्ध खेल रहे हैं हम पहले बल्लेबाजी करेंगे तो कैसे खेलेंगे इस टीम के विरुद्ध डिफेंड करने के लिए, तो उसमें फिर डिसीजन है लॉकी को रखें या आप शाकिब को रखें, मैं तो लॉकी फर्गसन को रखूं या फिर सुनील नारायण को, जो वीरू ने कहा बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो एटलीस्ट उस स्टेज पे यूज हो सकते हैं। वीरू भाई अभी चेन्नई की लाइनअप हमने देखे, पूरी स्क्वाड को देखा, वहां पे एक युवा बल्लेबाज है, काफी उनको बैक भी किया गया, ऋतुराज गायकवाड पिछले सीजन IPL की एंडिंग उतनी अच्छी करी, एंड ट्रू टू द वर्ड स्टीफन फ्लेमिंग हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, उन्होंने कहा वी आर गिविंग हिम बिकॉज यू नो वी आर गिविंग हिम अ चांस टू प्ले, क्योंकि उन्होंने एंडिंग अच्छी करी, यू नो दिखाया कि उनके अंदर वो क्षमता है खेलने की,
लेकिन अब चार पारियां हो गई हैं वीरू भाई, आपको लगता है वहां पे एक चेंज का दिखेगा हमें या नहीं? बंदे अभी तो सेम है, अभी तीन पारियां हुई हैं, तीन मैच हुए हैं, तो अभी शायद दो मैच तक और बड़े आराम से एमएस उन्हें देखेंगे एंड देन उसके बाद वो सोचेंगे कि अगर उसमें कोई चेंज करना है कि नहीं करना है। तो मुझे लगता नहीं कि वो शायद अपनी इस प्लेइंग 11 से कोई छेड़छाड़ करेंगे अंटिल की कोई फोर्स चेंज हो, मतलब कोई इंजरी हो या किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो ही कोई चेंज नजर आएगा, अदरवाइज मुझे लगता नहीं वो छेड़छाड़। वॉटसन को देखा हमने, 10-10 मैच खराब हुए उनके, मतलब पूरे सीजन में दो मैच में रन बनाए, बाकी 12 मैच में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर भी वो पूरा खेले, तो ऐसी इतनी जल्दी वो प्लेयर को छोड़ते नहीं है, क्योंकि अगर एक बार छोड़ेंगे ना 5-6 मैच के बाद तो फिर उन्हें वापस मुश्किल लेके आएंगे, फिर वो शायद रॉबिन उत्तपा पे जाएंगे या फिर या किसी और खिलाड़ी पे जाएंगे जो बाहर बैठे हैं। मुझे लगता है कि शायद 5 मैच तक तो उन्हें मौके देंगे। तो अजय भाई फाइनली एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई, जिन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कोड क्रैक किया है कि वानखेड़े में जी कैसे खेलना है इस बार आईपीएल में, दूसरी तरफ कोरबो लोरबो नहीं कंफ्यूजन लोरबो है कोलकाता की और वो अभी भी वो जीत ढूंढ रही है। ऑब्वियस सवाल है कि सर आप तो सपोर्टर भी हो चेन्नई के, तो फिर आप चेन्नई बोलने वाले हो या कमबैक सुन सकते हैं हम कोलकाता से? नहीं, कोलकाता बहुत अच्छी टीम है एज ए टीम, मैं मानता हूँ, अभी एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं चेन्नई के पास तो गेंदबाज मैं तो बहुत कम नजर आ रहे हैं, मुझे तो गेंदबाजी है ही नहीं ऐसी नजर आती है, तो एज ए टीम आप दूसरी टीम देख रहे हैं ना, जब इस टीम में बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है, आप जो आप पूछ रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ की हो या किसी की भी, लेकिन गेंदबाजी में आप देखें ना अगर स्विंग नहीं हो रही चेयर है, और सैम करन ने उस दिन जरूर बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं मानता हूँ एंड के बॉलर है, शार्दुल ठाकुर एंड के बॉलर है, ड्वेन ब्रावो एंड के बॉलर है, शुरू में यहाँ पे मदद मिल रही है जो पिछले साल अबूधाबी में भी जो मिलती थी इनको नहीं, ये इन्होंने नहीं ली इसलिए इनका इफेक्ट वो हुआ, तो एज ए टीम तो कलकत्ता बहुत अच्छी टीम है इस साल, उनके पास गेंदबाज भी है बल्लेबाज भी है, लेकिन वो जिस तरह से कंफ्यूज जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजिया हो जाते हैं, वो उनकी सिर्फ प्रॉब्लम रही है, क्योंकि जब आप शुभम गिल से जो पारी देखी है मैंने उस दिन, आठ दस गेंदे ही खेले वो जो अंदाज वो उनसे खिलवाया है आपने, तो मतलब आप हर आदमी को उनका जो अंदाज है उसके बिल्कुल विपरीत खिलवा रहे हैं जब जब जरूरत पड़ती है, तो इसलिए अब स्ट्रेंथ देखते हो आप, उनकी क्वालिटी देखते हो, लेकिन उस दिन क्या उनके कंप्यूटर में डाला गया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, और इसीलिए वो लोग फंस जाते हैं, नहीं तो टीम बेहतर है।